इंटरनल ऑर्डर देख लेते हैं। इंटरनल ऑर्डर हम कर रहे थे, ठीक है, इंटरनल ऑर्डर हम कर रहे थे, तो इंटरनल ऑर्डर आगे स्टार्ट करें। अब इसके पहले का वीडियो है ही आपके पास। हेलो, कर लूंगा, बट अभी हाँ के लिए थोड़ा दिक्कत आएगा क्योंकि अभी वो सारे क्रिएट नहीं है। क्या क्रिएट नहीं है? हाँ इंटरनल ऑर्डर वगैरह हाँ कर ओके। लेते हैं, पता चल जाएगा। ठीक है, इंटरनल ऑर्डर के बारे में आपको पता ही है। इंटरनल ऑर्डर दिस स्मॉल काइंड ऑफ अ प्रोजेक्ट, ठीक है, कोई स्मॉल प्रोजेक्ट होता है जिसके लिए इंटरनली जो होता है ऑर्डर होता है, इंटरनली प्रोजेक्ट्स होते हैं जो कुछ समय के लिए होते हैं, और फिर वो थोड़ी देर बाद के लिए, वो जैसे ही वो काम हो जाता है उसको हम फिनिश कर देते हैं। आफ्टर द हाँ फिनिशिंग ऑफ दिस इंटरनल ऑर्डर वी हैव टू सेटलमेंट ऑफ दैट कॉस्ट। सपोज दैट फॉर द एग्जाम्पल वी कैन टेक इट अ दिवाली एक्सपेंसेस। इन दिवाली एक्सपेंसेस यू कैन सी हियर इन जैन पैक। सपोज वी कैन टेक अ एग्जाम्पल विद द जैन पैक। इन अ जेन जेन पैक फेस फाइव इन अ जेन इफ इफ आई विल टॉक टू यू इन जेन पैक फेस फाइव इज अ कॉर्पोरेट ऑफिस। इन अ कॉर्पोरेट ऑफिस इन द टाइम ऑफ अ दिवाली इज सेलिब्रेटिंग अ सम फंक्शंस इन अ पार्किंग हाउ। पार्किंग टाइम इज अराउंड अ 4 to 5 days ऑफ सेलिब्रेटिंग अ फंक्शन। नाउ दैट टाइम दे अरेंजिंग अ डीजेज एंड ऑल थिंग्स, डीजेज, वाटर एंड आई थिंक वन डे फॉर द मील इज ऑल्सो फ्री। सो वट एवर कॉस्ट दे अकर वेयर हाउ विल बी इम्पैक्ट एनी वन हियर इन इम्पैक्ट is this. So whatever their cost is incurred, how they will show in a financial statement. कैसे show करेंगे? कहीं ना कहीं तो show करना है ना, ठीक है। हाँ So how will they say? After the ending of this celebration, they will settlement of this cost. Whatever cost they are accruing, वो जो भी cost हमें मिला होगा, वो they will be settled to other department or other cost center. So let's see, start करते हैं, देख लेते हैं कि क्या वाकई में ये है उसमें। OKKP कंट्रोल वी, ओके के पी। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम जो है वो करेंगे कि हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने अपना जो कंपनी कोड है लावा, इस लावा में इंटरनल ऑर्डर के जो कंपोनेंट्स है वो एक्टिवेट करेंगे। ये रहा ऑर्डर मैनेजमेंट इज एक्टिवेटेड, ठीक है, दिस इज अ एक्टिवेटेड, एक्टिवेट है। ओके सो नो नीड टू डू हियर क्रिएटेड क्रिएट और डिफाइन अ इंटरनल ऑर्डर, ठीक है। ऑन द टाइम ऑफ क्रिएटिंग एंड डिफाइनिंग अ इंटरनल ऑर्डर वी नीड टू गो एस पी आर ओ आई एम जी इज अ कंट्रोलिंग। इन अ कंट्रोलिंग इज अ यू कैन सी हियर द इंटरनल ऑर्डर इज ऑप्शन इज अ सेपरेट फोल्डर, क्लिक ओके ऑन दिस। नाउ कम विद द यू कैन सी हियर देयर इज अ वन मोर ऑप्शन एक्टिवेट ऑर्डर मैनेजमेंट इन अ कंट्रोलिंग। यहां से भी आप कर सकते थे, ठीक है, ओके के पी पे नहीं जाके डायरेक्ट आप यहां पे क्लिक करते, ये भी आपको मूव करता वहीं पे, ठीक है। ये देखो, देखिए वही आ गए हाँ ओके के पी पे। सो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, लेट्स गो विद द क्या है क्रिएट इंटरनल ऑर्डर एंड डेफिनेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, इसको क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। ऑर्डर टाइप, डिफाइन ऑर्डर टाइप, यू वांट टू सी टी कोड। टी कोड इज OKT2, OKT2, ओके, क्लिक ऑन दिस। यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम अपने नाम का एक इंटरनल ऑर्डर क्रिएट करेंगे। आई थिंक इंटरनल ऑर्डर वी आर क्रिएटिंग अ फर्स्ट टाइम फॉर द लावा, सो लावा इज नॉट अवेलेबल। ओके, नाउ जस्ट क्लिक ऑन द न्यू एंट्री। ऑर्डर कैटेगरी, ऑर्डर कैटेगरी शुड बी अ इंटरनल ऑर्डर, इंटरनल ऑर्डर 01, ओके, एंटर एंटर। आई एम जस्ट गिविंग एनी नेम, लावा, ठीक है, लावा ओके दिवाली सेलिब्रेशन, ओके ठीक है, या फिर फेस्टिवल, ठीक है। हमने क्या किया, इंटरनल ऑर्डर का नेम दे दिया। आफ्टर द पुटिंग ऑफ द नेम जस्ट कम विद द सेटलमेंट प्रोफाइल। सेटलमेंट प्रोफाइल यानी जो भी हमारा एक्सपेंसेस होगा, ठीक है, आफ्टर द फिनिशिंग ऑफ दिस दिवाली फेस्टिवल सेलिब्रेशन, व्हाटएवर कॉस्ट वी अकर वेयर इट विल बी अ सेटल विद द ओवर कॉस्ट। ये ओवरहेड कॉस्ट, ठीक है, दैट ओके मींस सेटलमेंट प्रोफाइल कौन सा होगा अप्लाई, ओवरहेड कॉस्ट वाला अप्लाई होगा, दिस वन, ठीक है। इज अ प्लानिंग प्रोफाइल अगर आपको करना है तो प्लानिंग प्रोफाइल देख लो, जो जो स्टैंडर्ड वन है वो होता है। बजट प्रोफाइल, जनरल बजट प्रोफाइल,
ठीक है, जो स्टैंडर्ड वन है, कहाँ से ये आता है मैं अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्लास वन, व्हाट काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट इज ओवरहेड, ठीक है, खर्चा है एक तरह से। नाउ एंटर आफ्टर द एंटरिंग ऑफ दिस, ठीक है ठीक है, आफ्टर द एंटरिंग ऑफ दिस, अब तो अब हो चुका। लेट्स गो विद द सेटलमेंट प्रोफाइल, प्लानिंग प्रोफाइल एंड बजटिंग प्रोफाइल, वेयर इज कमिंग फ्रॉम। सो व्हाट वी हैव टू गो हियर, एस पी आर ओ, आई एम जी रेफरेंस इज अ कंट्रोलिंग, इन अ कंट्रोलिंग देर इज अ वन ऑप्शन इज अ इंटरनल ऑर्डर, इन इंटरनल ऑर्डर यू कैन सी हियर द प्लानिंग, ओके, बेसिक सेटिंग के नो, ये नहीं, सेटलमेंट, एक्चुअल पोस्टिंग इन सेटलमेंट, इन द सेटलमेंट एलोकेशन, सेटलमेंट ये सेटलमेंट, तो हमें क्या था, सेटलमेंट प्रोफाइल है, सेटलमेंट प्रोफाइल दिस वन, सेटलमेंट प्रोफाइल, ओके, मेंटेन अ सेटलमेंट प्रोफाइल इज 20, वी हैव सेलेक्टेड हियर द 20, 20 दैट मींस डबल क्लिक, यू कैन सी हियर द ऑल सेटलमेंट ऑप्शन इज ओवर देयर, ठीक है। कैसे सेटल करना है, टू बी फुल सेटल्ड होगा, कैन बी सेटल, नॉट फॉर सेटलमेंट, अगर जो भी खर्चा सेटल नहीं करना है तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। एलोकेशन स्ट्रक्चर, यानी जो भी हमारा जब वो होगा, ठीक है, जो भी हमारा खर्चा आएगा उसका एलोकेशन स्ट्रक्चर कैसे होगा, सीओ एलोकेशन स्ट्रक्चर ए वन है, ए वन कहाँ से आया है अभी मैं दिखाता हूँ, ठीक है। पीएफ ट्रांसफर ये क्या जाएगा, ई ए वन, यानी प्रॉफिटेबिलिटी जो है एनालिसिस ई ए वन में जाएगा, परसेंटेज में, सेटलमेंट परसेंटेज में, अमाउंट सेटलमेंट में भी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखोगे वैलिड रिसीवर, वैलिड रिसीवर में कौन कौन से सेटल हम कर सकते हैं, सेटलमेंट ऑप्शन, ठीक है, यानी ये ऑप्शन ऑन है, ये भी ऑन है, ये भी ऑन है, ये भी ऑन है, यहाँ पे देखोगे सेल्स ऑर्डर दिस इज नॉट अलाउड, तो ये सब नहीं है, जहाँ भी हमें ये करना होगा सेटलमेंट, वी हैव टू कम हियर एंड सेटलमेंट ऑन करना पड़ेगा, सेटलमेंट ऑप्शन शुड बी टेक this one, so okay, I'm not going to change here, I'm not going to change here because it's a standard one, so suppose that we will change here, so all user will face a same error, so okay, document type, whatever document will be posting, the document type should be a essay, theek hai, month and theek hai, koi dikkat nahi hai, let's go back, okay, so I think you know about a settlement here. Now you can see here settlement profile, there is a one option is a maintain PA structure. Maintain PA structure, where is coming from? This here. This option is a coming from a PA structure. Just click on this. Oh yeah. Just click on this A1. ठीक है, ए वन, ए वन हमने वहाँ पे चूज किया था, तो यहाँ पे क्या होगा, हमें यहाँ पे बताना पड़ता है कौन कौन सा सेटलमेंट है, सोर्सेस क्या है इसके, तो जब हम करेंगे ना अभी तब ये हम आपको क्लियर कर देंगे, ठीक है। मेंटेन सोर्सेज स्ट्रक्चर, जस्ट क्लिक ऑन दिस, सोर्सेज स्ट्रक्चर ए वन, ठीक है, मेंटेन, लावा, सोर्सेज में अभी कुछ नहीं है, हमें यहाँ पे क्रिएट करना होगा, लेकिन जब हमें जरूरत पड़ेगी सेटलमेंट करते समय, यानी जब हमारा सब कुछ फंक्शन जब खत्म हो जाएगा, सेटलमेंट सबसे लास्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। तो ये यहाँ से आया, उसी में कुछ बजटिंग का भी ऑप्शन था, आपने देखा होगा यहाँ पे, ये देखो बजट प्लानिंग है, बजट प्रोफाइल, वेयर इज कमिंग अ बजट प्रोफाइल, बजट प्रोफाइल इज अ मेंटेन बजट प्रोफाइल दिस वन, मेंटेन बजट प्रोफाइल इज 01, स्टैंडर्ड वन वी हैव टेकन हियर, सो वी हैव चूज हियर 00001 बजट प्रोफाइल, ठीक है। पास्ट वन है 3, ये कैसे है, क्यों है, जब अभी करते हैं तो बताता हूँ अभी, तो ये आप समझ लो कि ये कहाँ से रिफ्लेक्ट हो रहा है, समझ में आ गया, ये कहाँ कहाँ से, ये कहाँ से रिफ्लेक्ट हुआ, ये कहाँ से रिफ्लेक्ट हुआ, ये कहाँ से रिफ्लेक्ट हुआ, मैं बस आपको ये दिखाना चाह रहा था। नाउ वी आर गोइंग टू सेव इट, आफ्टर सेविंग ऑफ दिस शोइंग अ इन्फॉर्मेशन, नंबर रेंज इज अ नॉट प्रोसीड, दैट मींस अ नंबर रेंज हैज बीन मिसिंग, ओके, कोई नो, नो इशू, सो वी हैव अ ऑप्शन, जस्ट गो बैक, और देयर इज अ वन सेपरेट नंबर रेंज ऑप्शन, अदरवाइज यू कैन गो विद द एडिट ऑप्शन, इन एडिट ऑप्शन यू कैन सी द लावा, योर ग्रुप लावा, लावा दिवाली फेस्टिवल, ओके। नाउ जस्ट क्लिक ऑन दिस, क्लिक ऑन दिस वन and select the number range, number range, interval number range is 01 for the internal order, save it back, you can see number range has been assigned right now, now I'm going to save it, the error will not show, okay, the pop-up will not come, already has been saved, so what, this one has been done, now create an internal order, next setup is the create an internal order, for the creating of internal order, you just go with the easy access screen, on the easy access screen, is the accounting, इन अकाउंटिंग कंट्रोलिंग, इन द कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग क्या है, क्या कर रहे हैं हम, क्रिएट इंटरनल ऑर्डर कर रहे हैं, ठीक है। ये दस क्लिक ऑन द क्रिएट इंटरनल ऑर्डर, इंटरनल ऑर्डर मास्टर डेटा, इन अ मास्टर डेटा यू कैन सी हियर, सी हियर, सी हियर स्पेशल फंक्शन ऑर्डर क्रिएट, ठीक है, के ओ 01, के ओ 01,
KO01, ठीक है, KO01 क्रिएट सेव इट, ठीक है, एग्जीक्यूट इट एंड गिव इट योर कंट्रोलिंग एरिया लावा. ऑर्डर टाइप, व्हाट द ऑर्डर टाइप वी हैव क्रिएटेड हियर, लावा दिवाली फंक्शन आई ले वी ए जस्ट चूज फ्रॉम हियर लावा, लावा दिवाली फेस्टिवल दिस वन हैज बीन क्रिएटेड. नाउ क्लिक ऑन द मास्टर डेटा. आफ्टर द क्रिएटिंग ऑफ अ मास्टर डेटा जस्ट फिल द ऑल डिटेल्स. डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन क्या है ये लावा दिवाली फेस्टिवल, क्लियर है, लावा दिवाली फेस्टिवल जो हम बना रहे हैं. यहाँ पे देखो हम क्या कर रहे हैं, अब इंटरनल ऑर्डर क्रिएट कर रहे हैं. इससे पहले हमने इस पे क्या किया था, व्हाट वी हैव डिड, वी हैव डिड अ कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, वी डिड द कॉन्फ़िगरेशन हियर. नाउ वी आर क्रिएटिंग अ इंटरनल ऑर्डर. सो इंटरनल ऑर्डर दिस वन, कंट्रोलिंग एरिया दिस वन, प्लांट स्टिल वी डोंट हैव अ प्लांट, ये प्रॉफिट सेंटर, इफ यू वांट टू गिव अ प्रॉफिट सेंटर यू कैन शो हियर, गिव इट. हु विल वियर, सपोज दैट नोएडा एडमिन, Noda admin, responsible cost center. If you want to give the responsible cost center, also you can put here responsible cost center. Who will be Noda admin? Okay, that's nothing to do right now. सबके अलग अलग फंक्शन है, जब हम सेल्स में करेंगे, सेल्स ऑर्डर क्रिएट करेंगे तब उस समय हम देखेंगे. अभी फिलहाल इंटरनल ऑर्डर के लिए ये हो गया. नाउ क्लिक ऑन द कंट्रोल डेटा. इन अ कंट्रोलिंग डेटा आप देखोगे क्या कि यहाँ पे ये ऑप्शन है, ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे सिस्टम. जब तक हम इसको, ये क्या करंटली रिलीज, जब तक हम इसको रिलीज नहीं करेंगे आवर कंट्रोलिंग एरिया इज नॉट, सॉरी आवर इंटरनल ऑर्डर वुड नॉट बी एक्टिवेटेड अनटिल अनलेस वी डिड नॉट या वी कुड नॉट रिलीज ऑफ दिस. ओके, सो वी मस्ट एंड वी माइट बी अ रिलीज. सो जस्ट गोइंग टू अ रिलीज दिस. ओके, रिलीज, नाउ इट्स ओके, order has been released. You can see here order has been released here. So we can see here ki we have a two types of internal order. Do tarah ke hote hain internal order ya do tarah ke transaction hote hain. Pehla hota hai real aur statical. Real kya hota hai, statical kya hota hai, abhi iske baad wale chapter mein main aapko decide karunga. In case agar aapko statical banana hota to aap kya karte, yahan pe tick kar dete. Statical only for information purpose ke liye hota hai, theek hai. उसको मैं अभी डिफाइन करूंगा, वो पूरा एक वही है, एक पूरा ग्रुप है, मतलब एक टॉपिक है पूरा, ठीक है. नाउ लेट्स कम द पीरियड इन, देयर इज नो नीड टू डू एनीथिंग एल्स. सो ये पीरियड एंड क्लोजिंग, पीरियड एंड रिजल्ट एनालिसिस WIP जब करते हैं तब, ये तब का है जब हम कॉस्टिंग करेंगे ना, कॉस्टिंग प्रोडक्ट का, तब हम यहाँ पे इनकी जरूरत पड़ी तब हम करेंगे, ठीक है, सब कुछ उसी से रिलेटेड है. तो क्या हुआ यहाँ पे, व्हाट इज द नेसेसरी पार्ट हियर, वी हैव टू रिलीज दिस, वी माइट बी रिलीज दिस अनटिल unless we did not release, suppose if we don't release, so this order type will not work, error will be a pop-up, ठीक है. तो हमने क्या कर दिया, release कर दिया. जब ये हमारा ये खत्म हो जाएगा तो हमें यहाँ पे आकर करके technical complete करना होगा कि ये complete हो चुका है. जब ये हमारा सब कुछ settlement element सब कुछ हो जाएगा, यानी हमारा दिवाली function खत्म हो गया, cost जितना भी आया आपस में distribute हो गया, after the distribution of thing जो भी सब कुछ था settlement हो गया, उसके बाद ये खत्म हो गया तो pack कर दो. तो that means we have to come here and click on the technical complete. Okay, so on that time we will do this. सेटलमेंट रूल इज ऑल्सो एयर, सो आई एम नॉट गोइंग टू राइट नाउ, सेव इट, जब सेटलमेंट करेंगे तब पढ़ेंगे. तो हमने क्या किया, ये भी कर लिया, ठीक है. नाउ लेट्स गो विद द पोस्टिंग FB50. अच्छा, लाइक पोस्टिंग कर लेते हैं FB50. ये Before the creating of we have to create a 1GL which is related to a Diwali festival. ठीक है, Diwali festival. यानी हम जब उसे करेंगे वो कहाँ जाएगा, वो expenses कहीं ना कहीं तो show करेगा. हम क्या कर सकते हैं, न्यू एंट्री पे क्लिक करेंगे. After clicking of a new entry, now I'm going to create a new GL. 3 is a 4. Enter. It's a primary cost expenses. Festival expenses, control data, zero one, primary cost है क्योंकि expenses है ये हमारा, वन कह दो या फोर कह दो, ठीक है, save. Now we can see festival expenses we have created here. Okay, let's go with the posting. ये हो गया, documented with the same date. Come with this. Save. Sorry, enter.
is a festival expenses. David, suppose that we are going to expenses of posting the amount 1 lakh. ठीक है. Now click on this. Credit star. ठीक है. क्या है? इंटरनल ऑर्डर टैक्स. ठीक है, समझ में आ जाएगा. इंटरनल ऑर्डर कौन सा है? फेस्टिवल वाला है. अब देखो, जैसे ही मैं यहाँ पे एंटर करूंगा, क्या आ रहा है? रिक्वायर द कॉस्ट ऑब्जेक्ट. ठीक है, ये कॉस्ट ऑब्जेक्ट पूछ रहा है. अब यहाँ पे कॉस्ट ऑब्जेक्ट मेरा क्या होगा? मेरा ऑर्डर होगा, यानी जो भी चीज मैं पोस्ट कर रहा हूँ. ये एडमिन में तो बाद में जाएगा, पहले हमारा क्या होगा? क्योंकि हमने वहां जब ऑर्डर क्रिएट किया है तो ऑलरेडी हमने कॉस्ट सेंटर वहां पे पुट कर रखा है, याद है? ये देखिए, जब हमने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखा होगा ऑप्शन था यहाँ पे एक, ये प्रॉफिट सेंटर और रिस्पॉन्सिबल कॉस्ट सेंटर था ना, हमने यहाँ पे ऑलरेडी कर रखा है. तो हम क्या करेंगे, किसी स्पेसिफिक कॉस्ट सेंटर, हम किसी ऑर्डर पे हम काम कर रहे हैं, तो किस ऑर्डर पे जाएगा ये जो भी मेरा खर्चा है? कहाँ जाएगा ये वाले पे जाएगा, दिवाली एक्सपेंसेस पे जाएगा. ठीक है, नाउ वी कैन सी द दिवाली एक्सपेंसेस पे जा रहा है ये पूरा का पूरा खर्चा. सो नाउ दिस टाइम आई एम टेकिंग ऑफ दिस ऑर्डर नेम, एंटर. After the entering, we can save it. Document has been saved. Document number is a 3. Let's go with the FB03. ठीक है, FB03, this one. ठीक है, physical year 2020. दे सकते हो, otherwise छोड़ दो. We can see how much post the festival expenses the cash account. ठीक है, festival पे हमने कितना किया? How much we have spent here? 1 lakh rupees and 1 lakh rupees. ठीक है, अब क्या देखोगे? कॉस्ट सेंटर यहाँ पे नील आया, क्यों? क्योंकि हमने ऑर्डर पे किया है. तो ऑर्डर पे देखने के लिए किस ऑर्डर पे हुआ है? चूज लेआउट, ये यहाँ पे हो जाएगा ऑर्डर, एंटर. आप देखोगे ये ऑर्डर, इस पे सेलेक्ट करके क्लिक ऑन दिस वन, ये आप अपने तरफ ले लो, सेव. देखोगे क्या ऑर्डर आ गया. ठीक है, ऑर्डर डिटेल आ गया. हेलो हेलो हेलो. हाँ, समझ में आ रहा है? हाँ 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 तो अभी तक हमने क्या किया? इंटरनल ऑर्डर क्रिएट, यानी हम लोग क्या कह सकते हैं कि हमने जिस इंटरनल ऑर्डर पे पोस्ट किया है वो यहाँ से हम यहाँ से देख सकते हैं कि किस इंटरनल ऑर्डर पे किया है. हाँ, कौन सा इंटरनल ऑर्डर है जो हमें यहाँ पे ये वियर करेगा? क्लियर है यहाँ तक? हाँ. रिपोर्ट ऑफ, अब क्या है नेक्स्ट? हमने पोस्टिंग भी कर दी. अब पोस्टिंग करने के बाद हम क्या देखेंगे? अब हम निकालेंगे क्या कि रिपोर्ट, रिपोर्ट ऑफ अ इंटरनल ऑर्डर. रिपोर्ट ऑफ अ इंटरनल ऑर्डर हम कैसे निकालते हैं ये देख लेते हैं. तो निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? सेम उसी तरीके से जैसे हमने कॉस्ट सेंटर का निकाला था. एक सेकेंड. ठीक है, रिपोर्ट देखने के लिए कंट्रोलिंग इंटरनल ऑर्डर इंफॉर्मेशन सिस्टम रिपोर्ट फॉर इंटरनल ऑर्डर प्लान एंड एक्चुअल दिस वन. ठीक है, लावा ये वन से लेकर के ये पूरा रिपोर्ट एक ही बार में देख लो. ठीक है, फेस्टिवल ये आया, फेस्टिवल में यहाँ आया, यहाँ पे डबल क्लिक करके ऑर्डर. डबल क्लिक एक्चुअल प्लान एंड दिस वन. यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमारा कितना कहाँ गया. नहीं ये नहीं है, एक्चुअली यहाँ पे आना चाहिए. वो बताया ना, किसी ने सेटिंग जो किया जिसके वजह से ये आ नहीं रहा है. इसको देखना होगा मेरे को. ठीक है, एक्चुअल लाइन आइटम पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमें आ जाएगा
कि कितना हुआ फेस्टिवल एक्सपेंसेस, ऑफसेट अकाउंट ये रहा, ये पूरा एंट्री आ गया 1 लाख रुपीज़, 1 लाख रुपीज़ किस पे गया, कौन सा वो है, क्लिक कर सकते हो हेडर पे, हेडर पे भी और भी डिटेल अगर आपको देखना हो तो यहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है। ओके ऑर्डर अगर यहाँ से फैच करना हो सेम वही यहाँ पे चूज लेआउट, ये ऑर्डर ये देखो, क्लिक ऑन इधर कर लो, कौन से ऑर्डर पे है यहाँ पे आ जाएगा, हाँ ठीक है। यहाँ से हमें ये पता चल गया कि कौन से ऑर्डर का है, बाकी वो जो ठीक है सेटिंग है ये वाली ये मैं देखता हूँ, ठीक है, कहीं एक जगह से ही है सब कुछ।